सो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अभी हम लोग 25 न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जेई मेंस 2022 के लिए। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि ईयरफोन लगा ले और शांत से जगह पे बैठ जाए और ध्यान से सुने। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपसे 50 क्वेश्चन PYQs के आसानी से बन जाएंगे जेई मेंस का, इसीलिए ध्यान से सुने और जेई एडवांस की बहुत सारे PYQs बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना पहला कंसेप्ट ये है कि जो डाइवल एच होता है, डाइवल एच DIVAL H डाइवल एच, ये क्या करता है, कार्बोऑक्सैलिक एसिड को, एस्टर को, साइनाइड को और एसिड क्लोराइड को, इन चारों को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था जेई मेंस 2019 में, कंपाउंड दिया हुआ है उसमें साइनाइड है, बहुत सारे और सब कंपाउंड मतलब बताया है वैसा है। उसको जब डाइवल एच में मिलाएंगे तो क्या करना है, बेसिकली अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, साइनाइड और एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन कंसेप्ट नंबर टू पे। देखो भाई, बॉन्ड ऑर्डर मतलब केमिकल बॉन्डिंग का है, इसका शॉर्ट ट्रिक मुझे सबसे अच्छा लगा है भाई। क्यों, बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग के सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम हो और एक ऐसा ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 से 20 के बीच में हो। तो उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है तो उसमें अपन क्या करेंगे, पहले BABA लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अगर मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले जो BABA लिखे तो दो B के नीचे दो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है सर। फिर A के नीचे दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। फिर अगेन जो B आ रहा है सामने उसके नीचे दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जब हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन B माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन A, ठीक है। अब दूसरा केस बताइए जिसमें 8 से 20 के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनके बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये बात याद कर लो कि 14 इलेक्ट्रॉन्स स्पेसीज का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 3, 1, 4, 3 से याद कर लो। जो 14 इलेक्ट्रॉन के स्पेसीज होंगे उनके बॉन्ड ऑर्डर होंगे 3। अब प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन करो और डिक्रीजिंग वन बॉर्डर कर लो, वन बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोले, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन करो और डिक्रीज इन वन बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। एक और बात, अगर बॉन्ड ऑर्डर कोई भी स्पेसीज का 0 आ रहा है तब वो स्पेसीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, एग्जाम मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो भाई स्पेसीज कैसे एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो जैसे Be2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना कोई, और बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे अपन तब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 0, यानी कि Be2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है सर। आते हैं कंसेप्ट नंबर 3 पे। इसमें क्या है कि सर अगर किसी स्पेसीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो वो डायमैग्नेटिक, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्शन, केमिस्ट्री का एक्सेप्शन तो होना ही चाहिए भाई। जब कंसेप्ट में एक्सेप्शन होता है तो शॉर्ट ट्रिक में एक्सेप्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। एक्सेप्शन में आता है 16, 10, जिसके इलेक्ट्रॉन 16 और 10 है वो डायमैग्नेटिक ना होके क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जैसे जैसे O2 और जैसे O2 और B2, ठीक है सर। ये हो गया, इससे हम लोग बता दिए क्या कि तीसरा कंसेप्ट भी अपना अच्छे से हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, आते हैं अभी 22 कॉन्सेप्ट और है, ये ध्यान से सुनेंगे। जो ग्रुप वन के साइनाइड सॉल्ट होते हैं, जो ग्रुप वन के साइनाइड सॉल्ट होते हैं उनको कंसेंट्रेट किया जाता है
वो कंसंट्रेट करते हैं किसको, वैसे ओर को जिसमें सल्फर कंटेनिंग ओर को, क्या बोले कि साइनाइड सॉल्ट जो होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं सल्फर कंटेनिंग ओर को, और जो सेफलराइट ओर होता है वो जिंक सल्फाइड का ओर होता है, यानी कि NaCN, भाई साहब NaCN कुछ भी जो ग्रुप वन के है, सॉरी जो ग्रुप, हाँ NaCN भाई ग्रुप वन के है ही भाई, हाँ NaCN क्या करेंगे, कंसंट्रेट कर देंगे सेफलराइट ओर को, ठीक है। ये तो अपना, सॉरी ये अपना क्या हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आते हैं कि अगर कोई एक सेंट्रल एटम है जिसके पास दो लोन पेयर है, एक सेंट्रल एटम है जिसके पास दो लोन पेयर है और तीन सिग्मा बॉन्ड है, उनका शेप कैसा होगा, वो टी शेप के होंगे। एग्जांपल BrCl3, क्या इसमें दो लोन पेयर है, यस सर है। क्या इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड है, हाँ है। तो क्या बताएं, इसका शेप टी शेप हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट होता है कंसेप्ट नंबर 5। सो अपना 5 कंसेप्ट हो गया था। 6 कंसेप्ट ये कहता है कि एनिलीन को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं कंसेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर है 288 केल्विन, तो हम लोग को पैरा पे भी नाइट्रो मिलेगा, मेटा पे भी नाइट्रो मिलेगा, ऑर्थो पे भी नाइट्रो मिलेगा एनिलीन के। मगर जो पैरा का परसेंटेज होगा वो 51% होगा, मेटा का होगा 47%, ऑर्थो का होगा 2%। तो सर क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट क्या बना, तो एनिलीनियम आयन के कारण एनिलीनियम आयन इसका इंटरमीडिएट बनता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट बनता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अब ये बन जाएंगे। अब आते हैं अपन कंसेप्ट नंबर 7 पे, जो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड होता है वो अल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। हम लोग पहले देखे थे डाइबल एच भी एल्डिहाइड को बहुत सारे कंपाउंड को करता है कन्वर्ट, मगर जो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड होता है वो एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ये जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रोपेन दिया हुआ था और अपने को उसको मॉलिब्डेनम ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या बनेगा, CCCHO, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंसेप्ट नंबर 8 पे, ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टैकिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या कहना चाह रहे हैं कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो किसके कारण होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैकिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये भी जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ है। कंसेप्ट नंबर 9 पे आते हैं, जो एनिरोबिक डिग्रेडेशन होता है वेजिटेशन का उसके कारण मीथेन गैस रिलीज होता है जो कि कार्सियोजेनिक होता है। क्या होता है, कार्सियोजेनिक, यानी कि ये कैंसर कॉज करता है और ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है। तो क्वेश्चन में था कि एनिरोबिक डिग्रेडेशन, वेजिटेशन के एनिरोबिक डिग्रेडेशन होने से क्या होता है, तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है और कैंसर कॉज होता है। क्यों, क्योंकि इससे मीथेन गैस रिलीज होता है CH4। ये अपना कंसेप्ट नंबर 9 हो गया। स्टिल कंसेप्ट, अभी 14 कॉन्सेप्ट बाकी है, एकदम ध्यान से सुनना है और इसके बाद क्वेश्चन तो यूं बनेंगे। यूं एक क्वेश्चन था कि गन मेटल का कंपोजिशन क्या होता है, देखिए कितना है, जेई मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा हुआ है कि गन मेटल का कंपोजिशन क्या होता है। इसको याद करने के लिए कॉपर संग जिंक, कॉपर Cu जो कि 87%, संग यानी कि SN जो कि 10% और जिंक Zn 3%, Cu 87%, SN 10% और Zn 3%। ये अपना कंसेप्ट नंबर 10 कंप्लीट होता है। आते हैं कंसेप्ट नंबर 11 पे, किसका
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम टू प्लस से एम में जाने में पॉजिटिव होता है, वो भी 3D सीरीज में। तो केवल और केवल कॉपर का, यानी कि ओनली कॉपर शोज पॉजिटिव वैल्यू फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एम टू प्लस स्लैश एम ऑफ 3D सीरीज। ये भी क्वेश्चन है। अब जैसे कंसेप्ट नंबर 12 पे आते हैं, मतलब इससे तो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो पूछा ही हुआ है। क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, कौन कौन होते हैं? तो इसका पहले निमोनिक्स ये है, सुनो जनाबे आली ने बेकार गाया ऐसा पंजाबी सॉन्ग। सुनो जनाबे आली ने बेकार गाया ऐसा पंजाबी सॉन्ग। सुनो यानी कि SNO, जनाबे ZNO, आली ने Al2O3, बे BEO, कार Cr2O3, गाया Ga2O3, ऐसा Pb2O3, पंजाबी PBO, सॉन्ग Sb2O3। ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। क्वेश्चन ने पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो हम लोग निमोनिक्स बोलेंगे। क्या सुनो जनाबे अली ने बेकार गाया ऐसा पंजाबी सॉन्ग, उसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का भी निमोनिक्स है? जी हाँ बिल्कुल, उसमें क्या क्या है, आली ने बे जनाबे पंजाबी, यानी कि Al का, Be का, Zn का, Pb का, इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। AlOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक, BeOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक, ZnOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक, PbOH होल ट्वाइस, ये भी क्या हो गया एम्फोटेरिक। ये अपना कंप्लीट होता है कंसेप्ट नंबर 12। कंसेप्ट नंबर 13 फिजिक्स का है। पता है फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स होता है। यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी और आर क्या है डिस्टेंस। एफ हो गया माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, इससे हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर 14 पे आते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं उसके चार्ज को मानते हैं क्यूई, मास मान लेते हैं एमपी। तो जो ड्यूट्रॉन होगा उसका चार्ज क्यूई और उसका मास 2 एमपी, और जो अल्फा पार्टिकल होंगे उनका चार्ज 2 क्यूई और मास 4 एमपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, प्रोटॉन qm, ड्यूट्रॉन q2m, अल्फा पार्टिकल 2q4m। ठीक है, ठीक है सर। कंसेप्ट नंबर 14 का ही पार्ट है, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी प्लस क्यूई, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी प्लस क्यूई। जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव कर रहा है कोई पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड पे साइमल्टेनियसली, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी प्लस क्यूई। जो पहला अपना क्वांटिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और क्यूई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा इसके। और F जो रेडियस बने, F सेंट्रिपिटल होता है mv² / r, mv² / r को इक्वेट कर देंगे क्यू वी बी साइन थीटा। इसके तीन केस बनेंगे। पहला केस जब v वेक्टर पैरेलल हो b वेक्टर के और e वेक्टर जीरो है, e जीरो है तो एक स्ट्रेट लाइन e जीरो ही मान रहा है। केस टू में v वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो होगा हम लोग का एक सर्कल में। और केस थ्री जबकि कोई एंगल बना रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा। आर इक्वल टू एम बी अपॉन, ये कंसेप्ट नंबर 14 में ही है, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी एम क्यू बी, टू अंडर रूट 2 क्यू वी एम क्यू बी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। ये तो कंसेप्ट नंबर 14 तक हो गया, स्टिल 11 कंसेप्ट्स आर लेफ्ट।
हार नहीं मानना है, लगे रहना है। फिर आता है मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन में। इक्वेशन अपने को कुछ दिया रहेगा dy by dx, जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा अपना, dy by dx प्लस प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डीएक्स। उसके बाद इक्वेशन क्या बनाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये कंसेप्ट नंबर 15 हो गया, हाँ है ना, ठीक है सर, हो गया। कंसेप्ट नंबर 16 पे आते हैं, ईएमएफ एक्साई इज इक्वल टू आई डीएल बाई डीटी। आई इज करेंट, एक्साई इज वोल्टेज, एल इज इंडक्टेंस। मैग्नेटिक एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ये जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ है, ये सब बना लेना चाहिए। ओके यस सर। एक्साई इक्वल टू माइनस ऑफ डीएल बाई डीटी, एक्साई इज वोल्टेज, आई इज करेंट, एल इज इंडक्टेंस। मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंडक्टर। कंसेप्ट नंबर 17, भाई साहब यही एडवांस का कंसेप्ट है, 2009 में पूछा गया है। साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट 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 साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू बीटा इंटू साइन एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू। ठीक है, ये कंसेप्ट एडवांस के लिए है भाइयों बहनों। यस, आते हैं कंसेप्ट नंबर 18 पे। क्लोरीनेशन याद है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन अच्छे से याद है, याद है सर, याद है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और उस पर लग जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कंसेप्ट नंबर 19 पे आते हैं, जो NO2 माइनस होते हैं और CN माइनस होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बिडिएंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन हो गए, NO2 माइनस और CN माइनस, ये भी पूछा हुआ है। कंसेप्ट नंबर 20 पे आते हैं, बीटा एलिमिनेशन एच का होता है अल्कोहलिक KOH में, अल्कोहलिक KOH में, एल्कोहलिक के ओएच में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है एच का। उसके बाद और दो देखो, अभी को सी 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 बी आर सी है, एल्कोहलिक के ओएच में क्या रिएक्शन होगा, अल्कीन बनेगा, और एक्वस के ओएच में क्या होगा, एल्कोहल बनेगा। ध्यान से समझना, जब एल्कोहलिक के ओएच में कर रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड अपना अल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, मगर एक्वस केओएच में कर रहे हैं तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है सर, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अल्कोहलिक केओएच में अल्कोहल तो पहले से ही है, तो इसलिए अल्कोहल ना बनके अल्कीन बनेगा, एक्वस केओएच में अल्कोहल है नहीं तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, यस सर, ठीक है, ठीक है सर, वेरी वेरी गुड। ये कंसेप्ट नंबर 21 हल्का सा लंबा जाएगा, मगर हार नहीं मानना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एम एक्स डी एक्स इंटू कॉस ऑफ की पावर एन एक्स डी एक्स, जहाँ पे एम और एन क्यू है, चेंज इन फॉर्म ऑफ टेन एंड सेक बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर न्यूमरेटर बाई कॉस की पावर के एक्स, एक्स कॉस एक्स की पावर के, के इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम प्लस एन, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व कर लेना है। अब भाई साहब कंसेप्ट नंबर 22 पे आते हैं, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, है ना, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, E इज इक्वल टू पी सी, E इज इक्वल टू पी सी, E इज एनर्जी, P इज मोमेंटम, C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, विच इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। कंसेप्ट नंबर 23, L इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, R equal to a naught into n square upon z, R is equal to a naught into n square upon z, 1 upon lambda
विच इज इक्वल टू लैम्डा इनवर्स इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। कंसेप्ट नंबर 24, ये भाई पूछा हुआ है, सब पूछे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट बता रहे हैं, समझना है। यस सर, जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, कोई रिएक्शन है जो कि nth ऑर्डर का है तो उसका जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस एल मल्टीप्लाइड सेकेंड इनवर्स। क्या बताएं, पर फिर से मोल लिखना है, लीटर इनवर्स लिखना है मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट पूरे पे 1 माइनस एन की पावर, फिर मल्टीप्लाई एस की पावर माइनस 1। ये रेट कांस्टेंट का यूनिट है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कंसेप्ट नंबर 24 में ही जो बोरॉन एग्जिबिट करते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी एग्जिबिट करते हैं बोरॉन। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, तो वहां से हम लोग को पता चल जाएगा कि जो बोरॉन है एग्जिबिट करेंगे मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 का। कंसेप्ट नंबर 24 में ही पार्ट नंबर 3 है, फिनॉल को जब रिएक्ट करवाएंगे FeCl3 से तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बेसिसिटी कंसेप्ट नंबर 24 का ही पार्ट 4 में बेसिसिटी निकालने आता है एमाइन का, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, यस से करना है। कंसेप्ट नंबर 5 24 का ही, मतलब 24 का फिफ्थ पार्ट, जो जनरल साइज होता है वो क्या होता है, लिथियम का सबसे कम, फिर उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, फिर उससे बड़ा सीजियम, मगर एक्वस सॉल्यूशन में Li प्लस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम प्लस, और उससे ज़्यादा होता है K प्लस, नहीं Li प्लस ज़्यादा होता है, फिर आता है Na प्लस, उससे कम K प्लस, उससे कम सीजियम, तो ऑर्डर पूरा मतलब ये हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसीलिए एक्वस में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, साइज के अपोजिट लिथियम प्लस सबसे कम रिएक्टिव होगा, नहीं लिथियम प्लस का रिएक्टिविटी कम होगा, फिर सोडियम प्लस, फिर के प्लस, फिर सीजियम प्लस, हाँ है ना, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं सॉरी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट Li हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग में CS हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना है एक बार, अच्छे से इसको रिवाइज करना, किसको 24 कंसेप्ट का पार्ट 5 अच्छे से रिवाइज करना है, क्या बताएं उसको ध्यान से समझना है। अब आते हैं अपना लास्ट कंसेप्ट जो कि है 25th, ठीक है, 25th कंसेप्ट, ये है केले हैमिल्टन थ्योरम। ये क्या कहता है कि कोई भी हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो कि है P ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई और P ऑफ A इज इक्वल टू 0। कैसे करना है, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स A, तो उसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे A माइनस लैम्डा आई को, उसको 0 करेंगे, उससे इक्वेशन आएगा, उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि लैम्डा में इक्वेशन आएगा, उसमें A पुट कर देंगे तो उससे जो इक्वेशन बनेगा वो कैरेक्टर केले हैमिल्टन थ्योरम से बनेगा। इसका क्या यूज आता है, इसका दो यूज आता है, जब हम लोगों को इनवर्स निकालना होता है या फिर कोई भी मैट्रिक्स का हायर पावर निकालना होता है तब हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम यूज करते हैं। भाई साहब जेई 2005 में पूछा गया था, उसके बाद जेई मेंस 2021 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, उससे भी ज़्यादा पूछा गया, चेक करना पड़ेगा, और जेई मेंस 2020 में भी पूछा हुआ है, बस यही। तो आज का 25 मिनट में 25 कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट होता है। ये पहला कह लो, पहला स्टार्टिंग है, पहला क्लास कह लो, तो बढ़िया है, इसको अच्छे से समझना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 25 कॉन्सेप्ट के साथ, और इसे मैं गारंटी लेता हूँ, अभी जो 25 गारंटी लेता हूँ, नहीं मतलब गारंटी है कि 25 से मिनिमम 50 क्वेश्चन तो PYQs के आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, ओके, तो एंड करते हैं।
ओके थैंक यू।